एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जय माता दी। वेलकम बैक टू आर चैनल प्रभुकेशव व्लॉग्स। तो गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, सेफ होंगे, और मैं भी ना एकदम मस्त हूँ। तो मैं आज का व्लॉग स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को ये बता देती हूँ कि आज के व्लॉग में हम क्या करने वाले हैं। तो आज है अहोई अष्टमी और उसकी पूजा वगैरह करते हैं। तो मुझे भी नहीं पता है, मैंने कभी अपनी लाइफ में नहीं की है, तो आज हमें करनी है। मैं और यही करेंगे, तो जो भी बनाना है वो हम लगपड़ियाँ बनाने। वैसे तो हर बार मम्मा ही करते हैं, लेकिन इस बार जैसे मैंने आपको बताया था कि वो घर पे नहीं है, वो हैदराबाद में है, तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पे फास्ट रख लूँगी तो आप घर पे उसका पूजन वगैरह कर दो। तो अभी मैंने कढ़ी वगैरह चढ़ा दी है बनाने के लिए, और मुझे तो ये भी नहीं पता कि उसमें क्या करते क्या नहीं करते, क्योंकि हमारे वहाँ पर तो होती नहीं थी और मैंने तो कभी सुना भी नहीं था। तो अभी आज यहाँ पे आके मैं कर रही हूँ। तो ये मैंने कड़ी चढ़ा दी है बनाने के लिए। वैसे आपको दिख नहीं रही होगी, तो बाद में दिखाऊंगी, कड़ी बन जाएगी हमारी, और साथ में जो बाकी भी बनाना है तो वो मैं आपको साथ साथ में दिखाती जाती हूँ कि आज मैं क्या बनाऊंगी, कैसे हम पूजा करेंगे। वैसे मुझे ना पता नहीं है कि कैसे कैसे क्या करना है, तो जैसे भी होगा, कोई गलती वलती होगी तो माता रानी माफ कर देना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करना, और साथ में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और अगर किसी ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो वो मुझे वहां जाके भी फॉलो कर सकता है। तो मैं अपनी आईडी नीचे मेंशन कर रही हूँ। तो अभी हमारी कड़ी ना होगी रेडी, तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और मम्मा ने तो स्पेशली मुझे वहां से कॉल किया था, क्योंकि मम्मा कल पहुंचने वाले हैं, तो उन्होंने कहा था कि मेरे लिए ना कड़ी रख देना, तो मुझे टेस्टी वाली कड़ी बनानी पड़ेगी आज। ये रही हमारी कड़ी, बस इसको थोड़ा ही टाइम लगेगा अभी, मैं तो हमेशा पतीले में ही बनाती हूँ। और ये रहा साग, ये राइस साग है, और ये मैं इसके जो छोटे छोटे पेड़ ना, ये मैं घर से लेके आई थी, रामनगर से लेके आई थी, और अभी ये बड़ा बड़ा हो गया, तो आंटी ये नीचे से लेके आए थे, तो आंटी ने दोष होके मुझे भी दे दिए। तो ये हमने खुद लगाया था, ऑर्गेनिक सब्जी होगी ये। और ये धनिया और ये मेथी, ये मैंने थोड़ी सी ना तवे पे वो रोस्ट करके रख दी है ताकि ठंडी होके इसको मैं थोड़ा क्रश करके इसमें डालूंगी, फिर इसका फ्लेवर तो और मस्त आएगा। तो अभी ये मेरे साथ करवाएंगे हेल्प आज। ये पूरा पाउडर फॉर्म में होना चाहिए, लेकिन कड़ी तो होगी हमारी, बस इसको भी तड़का लगाना पेंडिंग है, वो मैं लगा लेती हूँ और कड़ी को रखती हूँ एक साइड पे। तो इसमें मैं बना देती हूँ छोटी छोटी ना ये परांठियाँ बनानी है, क्योंकि पांच जगह वो रखना है, तो पांच परांठियाँ बनाऊंगे और अपने लिए खाना हम बाद में बनाएंगे, पहले की पूजा वाला कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये रहा कैलेंडर, ये दिखा देती हूँ मैं, ये अहोई अष्टमी, ये कैलेंडर हम लगाएंगे यहाँ पे, ये यहाँ पे कहीं लगाते हैं इसको। तो ये इन्होंने मुझे क्रश करके दे दी है, ये धनिया और मेथी ये क्रश करके दे दिए, और ये साग भी अभी तक मैंने इधर ही रखा है, इसको हम बाद में देखेंगे। तो अभी हमारा ये तड़का है रेडी, तो ये मैं लगा देती हूँ, साथ में की परांठियाँ भी बन रही है। तड़का लगा के ना हमारी कड़ी का पूरा कलर ही चेंज हो गया, तो इसको मैं ढक के रख देती हूँ, नहीं तो फिर इसकी पूरी वो फ्रेग्रेंस ही चली जाएगी। तो अभी यहाँ पे इतना सारा खलारा पड़ गया सामान, तो ये बाद में उठाते हैं, तो पहले मैं ये अपनी परांठियाँ वगैरह कंप्लीट कर लेती हूँ। अभी जो भी खाने का था वो मैंने सब रेडी कर दिया है। तो अभी सबसे पहले ये माता का कैलेंडर लगाते हैं, क्योंकि मम्मी कह रहे थे कि ये पूजा किचन में ही करनी है, तो ये कैलेंडर मैं यहाँ पे लगाती हूँ, और उसके बाद ये सारा मतलब पांच में डालना है, तो पांच में ये डाल के, तो ये सारी थाली मैं रेडी करके उसके बाद आपको दिखाती हूँ। अभी हम पूजा करते हैं इसकी स्टार्ट, तो धूप और जोत जलाएंगे ये। अभी मैंने ना ये पांच पांच ही बनाए, पांच परांठियाँ बनाई हैं, और मैं आपको बार बार ही बता रही हूँ कि मैंने ये पहले नहीं किया था, और ना ही मैंने ये पूजा देखी है कभी कैसे करते हैं। और ये साथ में सुट्टू बुट्टू बनाए हैं, और इनकी शेप नहीं आई है, लेकिन क्योंकि मेरे को याद ही नहीं आ रहा था कि कैसे बनाते कैसे नहीं, एक बार मैं घर पर थी तो पीछे से मम्मा ने बनाए थे, खाए ज़रूर है मैंने, लेकिन मैं भूल ही गई थी कि उनकी शेप कैसे दी हुई थी। तो मैंने ऐसे ही जल्दी जल्दी में ये बना दिए, और साथ में वो गोल गोल भी बना दिया, तो ये पांच पांच चीज़ें करनी थी, तो वो अभी हम करेंगे इसकी पूजा स्टार्ट। अभी ना मेरे से गड़बड़ हो गई थी, ये अखरोट है ना, ये अखरोट भी चढ़ाने थे, और साथ में फ्रूट भी चढ़ाना था, तो वो मैं भूल ही गई थी, तो कोई बात नहीं, माता रानी माफ़ करना, इतना सा हो जाता है, क्योंकि मैंने ये फर्स्ट टाइम किया है तो मुझे पता नहीं था, तो अगले बार और अच्छे से करूँगी। तो अभी मुझे पता चल गया कि कैसे कैसे क्या करना है, तो ये तो शुक्र है कि बीच में मम्मी का फोन आ गया, उन्होंने बता दिया कि ये किया,
तो मुझे बाद में याद आया कि ये चीजें भी रखनी थी, तो अभी मैं ये चढ़ा देती हूँ और फिर से मत्था टेक लेती हूँ। तो अभी हो गया हमारा ये कंप्लीट। तो ये मैंने ना सेब यहीं पे चढ़ा दिया क्योंकि थाली ना छोटी हो गई। तो मैंने ना ये बनाए थे और मुझे बस यही था कि ये अच्छे नहीं बनेंगे लेकिन टेस्टी बन गए हैं, खाने लायक हो गए हैं, क्योंकि मैंने तो पहली बार किया यार, मैंने कभी किया नहीं था। और ये ब्लैक ब्लैक मैंने लगाया है, पत्ता लगाया क्योंकि मेरी आंख ना ऐसे से हो रही है, पता नहीं क्या हो रहा है। तो अभी हम भी ये ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, 11 बज गए हैं, 11:30 ही हो गए होंगे, तो बाकी देखते हैं हम बाद में। अभी मैं बना रही हूँ साग, तो ये मैंने धो के रख दिया था पूजा करने के बाद, और अभी ये अच्छे से सूख भी गया तो ये काट के भी मैंने रख दिया। तो यहाँ पे लगेगा इसका तड़का, और बाहर ऑलमोस्ट अंधेरा हो ही गया तो मेरी शक्ल दिखेगी, यहाँ पे बाहर तो कुछ दिखने से रहा। तो ना मैं ये कैलेंडर भी यहाँ से उठा देती हूँ, यहाँ कल उठाऊंगी क्योंकि यहाँ पे इसके धुएं के कारण ये खराब हो सकता है, तो इसको मैं हटा दूंगी। अभी जल्दी से ये साग वगैरह बना के और उसके बाद जाना है मुझे श्वेता उनके घर पे, क्योंकि उनका ना दिनों में एक पार्सल आया था तो मैं भूल ही गई थी, पहले तो आंटी और घर पे नहीं थे, तो अभी मैं वो पार्सल देने जाऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं अपना काम खत्म कर दूं, रोटियां बनानी है तो रोटियां हम उसी टाइम बनाएंगे जब हमें खानी होगी, तो ये सब्जी वगैरह बन जाती है। और साथ में गाइस मैं आपको बता दूं कल मम्मी भी आ रहे हैं। तो ये रहा वो पार्सल, और अभी मैं देख के आती हूँ, मुझे ना ऐसा लग रहा है कि इसमें ना शूज ही हैं। तब ये सोफा भी बेचारा ना ऐसे सुना सुना सा लग रहा है हमारा ये लॉबी वाला, तो हमारी लॉबी ना बड़ी ऐसे सुनी सुनी सी लग रही है। तो मुझे ये बेडशीट चेंज करनी है, तो ये मैं आके रात को करती हूँ। तो साहिल भैया के रूम की भी मैंने थोड़ी बहुत सफाई कर दी, और साथ में मैं आपको बता दूँ साहिल भैया और तनु भैया चले गए हैं कहीं। आ रहा अभी मजा? अरे मैंने ना सिर्फ कैसे किया था कि इसमें ना शूज ही हो सकते हैं, और ये प्यूमा के शूज, ब्रांडेड लड़की भाई, मेरे लिए भी मंगवा देती, मेरे लिए मंगवा देती, बहुत बड़े हैं ना ये, साइज बड़ा है। चलो जी श्वेता के तो मिल गए शूज, श्वेता के नहीं है, श्वेता के सिर पे भी लग जाए। लगा ले। 12 बजने वाले हैं अभी, और आज मैं आपको बता दूं आज ना हमने डिनर किया है बहुत लेट, 11:30 बजे आज हम लोग डिनर कर रहे थे, क्योंकि मैं और यही है, और मॉर्निंग में वो पहले पूजा वगैरह करनी थी, तो फिर ब्रेकफास्ट और लंच हमने किया एक ही साथ, 1 बज गया था हमें करते करते, तो फिर दिन का ना हमने स्किप कर दिया, बनाया भी नहीं और कुछ खाया भी नहीं। तो इवनिंग में हमने चाय के साथ कुछ ले लिया था, अभी हम डिनर करके हो गए हैं फ्री। तो इस ब्लॉग को मुझे लगता है कि यहीं पे एंड करना चाहिए, क्योंकि अभी 12 बजने वाले हैं और मुझे कल के लिए ब्लॉग भी एडिट करना है, और कल मम्मा ने भी आ जाना है, और साथ में लॉबी की तो सफाई हमने कर दी है, मैंने बाकी रूम्स की भी कर दी है, सिर्फ अपने रूम की रही है, तो वो मैं कल सेटिंग कर दूंगी, अगर मुझे इवनिंग में टाइम लगेगा तो वो कर दूंगी। तो अभी मुझे व्लॉग एडिट करने हैं, आपको बता देती हूँ, मैंने पहले भी आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि मैंने ये अहोई अष्टमी की पूजा मैंने कभी नहीं की है, तो ये मैंने किया फर्स्ट टाइम, और जो भी मेरे से मिस्टेक्स हुई है मुझे पता है वैसे क्या क्या मेरे मिस्टेक्स हुई हैं, तो इतना मुझे पता नहीं चला क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम किया है, मैंने तो पहले कभी किसी को देखा भी नहीं था करते, अगर ऐसा हो ना कि मैंने देखा हो करते तो फिर मतलब मैं भूलती नहीं हूँ, लेकिन लास्ट टाइम मम्मा ने किया था तो मैं शायद अपने घर पर गई हुई थी, और फिर आज मम्मा ने कहा कि तुझे करना है, तो जैसे कैसे करके हो गया, इन्होंने भी मेरी थोड़ी बहुत हेल्प कर दी, तो हम दोनों ने मिलके वो उसका पूजन भी कर दिया, और जो भी गलती होगी भगवान जी माफ़ कर ही देंगे, बताइए। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप ध्यान रखिए अपना, और बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में।